महंगाई इतने ऊंचे स्तर पर है, फिर भी हल्द्वानी शहर में इंदिरा अम्मा भोजनालय में 20 रुपए में भरपूर भोजन मिलता है। आपको बता दें कि इंदिरा अम्मा भोजनालय में महिला समूह के द्वारा यह भोजनालय चलाया जाता है, जिसमें महिलाओं के द्वारा हर रोज इंदिरा अम्मा भोजनालय में खाना बनाया जाता है और यहाँ भोजनालय में गरीब से लेकर हर वर्ग के लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। 20 रुपए में इंदिरा अम्मा भोजनालय में 4 चपाती और चावल दाल के साथ सब्जी मिलती है। अगर मैं अन्य रेड़ी ठेले वालों की बात करूं तो यही खाना वो 80 रुपए से 90 रुपए में खिलाते हैं, लेकिन इंदिरा अम्मा भोजनालय में ही खाना मात्र 20 रुपए में उपलब्ध है। साथ ही इंदिरा अम्मा भोजनालय में खाना खाने वाले महिपाल सिंह ने बताया कि इंदिरा अम्मा भोजनालय में शुद्धता के साथ भोजन परोसा जाता है, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ महिला समूह द्वारा खाना बनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी ये खाना बेहद ही अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ रोज इंदिरा अम्मा भोजनालय में खाना खाने के लिए आता हूँ। साथ ही महिला समूह हाटकालिका के सदस्य मीनू नेगी का कहना है कि हल्द्वानी में इंदिरा अम्मा भोजनालय में हम लोग लोगों को 20 रुपए में भोजन उपलब्ध कराते हैं और लोग यहां 200 से 250 एक दिन में खाना खाने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है और उनका यह मानना है कि महिला समूह की महिलाओं द्वारा यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। 20 रुपये में चावल दाल चपाती और भोजन उपलब्ध कराते हैं। स्वच्छता के साथ साथ पूरी सफाई और गुणवत्ता का भी यहां पर भोजन रखा जाता है। खाना तो बहुत अच्छा है, 20 रुपए में हर चीज़ देते हैं, दाल रोटी सब्जी सलाद, बहुत अच्छा खाना है, उसमें कोई शक नहीं। बाहर के मुकाबले देखा जाए तो अगर हम रेड़ी ठेली में खाते हैं तो उसमें बहुत कॉस्टली भी होता है, उतना अच्छा खाना भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसमें सभी कुछ दे देते हैं, दाल रोटी सब्जी जो अच्छा, जिस दिन हम हल्द्वानी में होते हैं तो यहीं आ जाते हैं खाना खाने। सर मेरा नाम नीलू नेगी है, हम हाटकालिका स्वयं सहायता समूह पनियाली से हैं और यहाँ पे रोज़ खाना खाने में कभी 200-250 कभी बढ़ जाते हैं, कभी जैसे बैंक वगैरह जो होती है उसमें पैकिंग वगैरह हमारी जाती है और जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह किसी की होती है जल संस्थान या होगी तो वो लोगों का भी हमारे पास ऑर्डर आता है, तो 250-300-400 के लगभग हो जाते हैं। 20 रुपये थाल है और 20 रुपये थाल पे 4 चपाती हैं, एक कटोरा दाल है, चावल है, सलाद है, सब्जी है, ये चीज़ हम दिए जाते हैं जी। हाँ काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे हम गरम गरम रोटियाँ और सस्ता खाना जिनके बजट के हिसाब से इनका दे जाते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी दुकानों पे काम करते हैं, गरीब स्तर के पहाड़ों से लोग आते हैं तो वो खाना देते हैं, तो इसलिए लोग खाने को लो यहाँ आते हैं। अच्छे अच्छे अफसर लोग भी आते हैं, बैंक से रिलेटिव है और कभी कभी बहुत दूर दूर से देहरादून वगैरह से भी लोग आते हैं, बच्चे जैसे दूर दूर से लखनऊ वगैरह से परीक्षा देने आते हैं तो उनके लिए भी ये सुविधा होती है कि हाँ वो खाना खा के जाते हैं और पैकिंग करके जाते हैं, इसलिए यहाँ। आपको बता दें कि इंदिरा अम्मा भोजनालय में रोज करीब 200 से 250 लोग भोजन करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोर की रिपोर्ट।